अभी टाइम हुआ है 12:51 दिन के और ट्रैकिंग शुरू कर दी है हम भाई लोगों ने। हाय यस। तो कैसा भाई, कुछ खरीदोगे क्या भाई साहब? क्या खरीदे यार, महंगाई देख रहे हो आप? इतने महंगे रुपए की पन्नी 150 रुपए की दे रहे हैं पहनने वाली यार। आने वाले जरा ध्यान दे इस बात पे, केदारनाथ आओ तो सब कुछ चीजें अपनी लेके आए घर से। सो गाइज, हमने इससे पहले व्लॉग में रुद्रप्रयाग तक अपना सफ़र तय कर लिया था और अब हमने रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक चलना है और ट्रैकिंग शुरू करनी है। तेरे को बाहर दबा दो ना, बाहर के लिए जगह पड़ी है तेरे में।
सोनप्रयाग से हम उतर के यहाँ हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है गौरीकुंड तक की। अभी टाइम हुआ है 12:51 दिन के और ट्रैकिंग शुरू कर दी है हम भाई लोगों ने। हाय यस, काफी मजा आ रहा है सफर में। बोलो क्या भाई, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अभी स्टार्टिंग है ट्रैकिंग में, मजा आने वाला काफी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जाम और चलते हैं आगे आगे आगे। आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। भैया केवल 200 का रेंज कोड। अच्छा, सिर्फ 200 का। सोनप्रयाग का पार्किंग सिस्टम ये है, देखो इतनी गाड़ियां लगी हुई है यहाँ पे, इतनी गाड़ियां हैं और वो ऊपर भी सोनप्रयाग में। खरीद लेते हैं यहाँ से आराम से, चैन से। ये क्या है सर, जैकेट कितने का है? पन्नी, पन्नी पहनने वाली कितना है भाई? 30 रुपए की तो होनी थी यार, 150। कैसा भाई, कुछ खरीदोगे क्या भाई साहब? क्या खरीदे यार, महंगाई देख रहे हो आप, इतने महंगे। 30 रुपए की पन्नी 150 रुपए की दे रहे हैं पहनने वाली यार। आने वाले जरा ध्यान दे इस बात पे, केदारनाथ आओ तो सब कुछ चीजें अपनी लेके आए घर से। केदारनाथ आओ तो कभी मैगी जरूर ट्राई करना, यहाँ मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं। और यहाँ ले आए गर्मा गर्म दाल और अब खाना खाएंगे यहाँ पे आराम से और फिर ट्रैकिंग करेंगे हमारी। हम खाना खाने के बाद शुरू हो गए वापस अपनी ट्रैक करने के लिए। पहले धूप थी, अभी 10-15 मिनट हुए हैं तो बरसात का सा माहौल ने लग गई है। आशु अंकल नमस्ते। मौसम काफी अच्छा हो गया है यहाँ का। केदारनाथ ट्रैक पे चलते चलते आप घोड़े भी ले सकते हैं, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है वाटर झरना की, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एकदम सुकून मिल रहा है इसकी आवाज़ को सुन के। सुनो, काफ़ी मज़ा आ रहा है ना, बोर लगा के सुनना मेरा। जन्नत केदारनाथ ट्रैक, वो हेलीपोर्ट हेलीपैड। बरसात शुरू हो गई है, बरसात हो गई शुरू, अभी रेनकोट भी नहीं लिया हमने, तो देखते हैं कहाँ रुकेंगे। या ले लिया, एक ही ले लिया किसने, आपने? क्या बात है, तो देखते हैं आगे जाके। ये यो यो Thank you.
हमारी ट्रैकिंग चालू है और बरसात हो गई है, हो रही है। ये नज़ारा देखें आप, ये वादियाँ, ये पहाड़। चले क्या? अभी तो एनर्जी है भाई में। क्या भाई? भाई मज़ा आ रहा है। फुल केदारनाथ ट्रैक पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, ये नदी की आवाज़ और ये वादियाँ एंड ये ट्रैक। ओहो क्या नज़ारा है। तो यार हमने ले ली है, यहाँ से टैक्सी, ले ली है और अब टैक्सी में जाएंगे। ब्लॉगिंग कैडी करवा देंगे यार, किसी ने सच्ची ना होएगी। हाय हाय वो मेरा भाई इस भाई, ऐसी वीडियो बनवा दूंगा किसी ने सच्ची ना होएगी। क्या बात है। तो निकलते हैं यहाँ से गोरीकुंड के लिए और फिर एकदम शानदार वाली ट्रैक शुरू करते हैं। तो आप लोग आओगे गोरीकुंड तो आपको यहाँ से भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी और वो खच्चर दिख रहे हैं आपको, खच्चर भी मिल जाएंगे, खच्चर लेना चाहे तो। और गोरीकुंड तक का किराया है यहाँ से 50 रुपए। भर गए अब तो? ये चेक करें आप, सब घूमने की जगह घूमना क्या है भैया? मंदिर है केदारनाथ का, उसके अलावा और यहाँ पे तुलनाथ का मंदिर है जहाँ शंकर और पार्वती की शादी हुई थी, बस। अच्छा बस एक बार मंदिर बताओ शायद है? बार मंदिर ऊपर है वो, हाँ भैरव मंदिर ऊपर ही है, वहाँ पता नहीं क्या ट्रैकिंग करोगे तो भाड़ी ले लो यार। भट रही ने पढ़ा आके जितने टाइम करो उसके हिसाब से पहुँचना तो चाहिए ना मेरा भाई। वीडियो तो बनाया वो आ गई।
वीडियो तो बनाया काम है वो आ रही हूँ वीडियो तो बनाया काम है लेकिन बोल तो रहा हूँ वो आ रही हूँ हाँ तो मैं आठ डाल के चलेंगे हम हाँ निश्चित रूप से तो मेरा मेरा बिल्कुल वित्तीय वो तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे पानी में करना है राफ्टिंग आता है ऐसे झरनों में जो होते हैं ना गिरता पानी तेज वहाँ पर राफ्टिंग में आता है पत्थर ना हो बीच में कोई दिक्कत ना है कोई गिरा तो नहीं मिलेगा उसका नहीं मैंने ग्यारह में कभी करवाता है इसलिए गिर भी जाता है ना तो उसको फिर जैकेट होती है तो था लेकिन यहाँ तो ध्यान नहीं है ना तो यहाँ पर दालूओं का स्वागत है तुमने कब पढ़ लिया तुमने कैसे देख लिया फिर आगे ठीक होने लगी थी बल्कि नहीं ना कभी नहीं पड़ी जाम लगा हुआ है गाड़ी का देखते हैं बताते हैं आपको कितना जाम है ये गाड़ी आ गई ट्रैफिक खुल गया है अब हमारी गाड़ी आ रही है गाड़ी में वापस बैठते हैं यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे ही है तो मन कर रहा है बस कि यह देखते जाओ देखें बाकी नदी का पानी एकदम साफ है देखें कि इतनी भयानक बनी हुई है इस पहाड़ को काट के ये रोड बनाई हुई है इस पूरे पहाड़ को काट के बनाई हुई है देखें यादे सलाम अल्लाह या ये वो लोग लाइन में लगे हुए हैं जो केदारनाथ जाके वापस आए हैं सांस भर गई है इतनी देर में और अभी तो शुरुआत है देखते हैं कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस सब बताते हैं आपको
चढ़ाइए भाई। तो 2:50 हुए हैं और लोग काफी मात्रा में चढ़ रहे हैं, बाकी लोग काफी आ रहे हैं, बूढ़े जवान नए बच्चे लड़के लड़कियां सभी लोग। और ये खच्चर भी ले सकते हैं आप हो तो। सबके चेहरों पे थकान नजर आई हुई है, सबके चेहरों पे थकान है और जाने वाले लोगों के एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। ये ऊपर से आवाज आ रही है, नहीं ये यहाँ से आवाज आ रही है, इस पानी की आवाज आ रही है। केदारनाथ ट्रैक में सब कुछ ठीक है, बाकी वो जो आपको पानी में प्लास्टिक नज़र आ रही है, प्लास्टिक की बोतलें, वो देखो ढेर लगा हुआ है, तो वो पानी को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। अगर आप लोग आए तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, यहाँ पे पानी की बोतल फेंके नहीं, कचरा पात्र में ही डालें। अरे वहाँ पता करना भाई सामने। बोरी संगर रेस्टोरेंट, यहाँ खाना ना मिल जाएगा, हम तो खा के आए हैं, नीचे से खा सकते हैं। तो यहाँ मार्केट चीज़ें ले सकते हैं आप ऐसे। पसीना होना शुरू हो गया है यहाँ पे। मार्केट है छोटा सा, ये वो हाँ सही समय सही सलामत। तो गाइस मैं 1 किलोमीटर तक चल के आ गया और शायद 14 किलोमीटर और है, चढ़ जाऊंगा बहुत जल्द। मिल सकते हैं आपको 1 किलोमीटर के अराउंड खच्चर। ओ और ये पानी देखो केदारनाथ ट्रैक में कचरों का ये पूरा इधर ही ये रहते हैं और यहीं पे, और ये पानी और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो अपना सफर जारी है केदारनाथ का, चलते हैं आगे। अच्छा
और ये कोई कुछ जो नहीं चल सके या चलने में समर्थ नहीं है उनके लिए ये भी चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। देखो तो अब 15 किलोमीटर बचा है, काफ़ी थक गए हैं, सांस भी भर गई है और तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और आगे का ट्रैक करते हैं शुरू। नेक्स्ट वीडियो देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।